दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रोड पर यूज होने वाले साइन के बारे में। तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो पहला एग्जाम होता है लर्निंग का, उसमें आप सभी को इन्हीं सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसी से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम 8 क्वेश्चन के आप सभी को सही सही आंसर देने होते हैं, तभी आप लर्निंग का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर पाते हो और आप सभी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है बन पाता है। जिसमें से इसमें कुछ ऐसे सिंबल हैं जिसकी वजह से आप सभी का जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो चालान काट सकता है, और कुछ ऐसे सिंबल हैं जो कि अगर आप उनका पालन आप नहीं करते हो तो आपका ट्रैफिक पुलिस चालान भी नहीं काट सकता है। तो आपको राइट भी पता होने चाहिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इसमें से जो पहली कैटेगरी है, जो कि आप यहां पर देखोगे, मैंडेटरी रोड साइन यहां पर हेडिंग दी गई है, और इसमें से ज्यादातर जो आप सभी को सिंबल मिलेंगे वो आपको इस तरीके से सर्कल में और रेड कलर के यहां पर देखने को मिलेंगे। कुछ हो सकता है ब्लू भी आपको देखने को मिले। इसमें से अगर आप कोई भी साइन को फुलफिल नहीं करते हो तो ट्रैफिक पुलिस इसकी वजह से आपका चालान काट सकता है। इसी के साथ में ये जो है कौशनरी रोड साइन है, जो कि इसकी वजह से हमारा चालान तो नहीं कटता है, किसी बड़े हादसे में शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए ये साइन भी हमें फुलफिल करने होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है, ये केवल साइन हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहां पर क्या चीजें उपलब्ध हैं। अब इन साइन का क्या कहां पे मकसद होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला जो सिंबल आप यहां पर देख रहे हो, तो ये जो सिंबल है हमें क्या दर्शाता है, ये बताता है नो स्टैंडिंग और नो स्टॉपिंग जोन। रास्ते सिंगल हो सकते हैं या फिर कोई शहर का ऐसा इलाका हो सकता है जो कि काफी भीड़भाड़ वाला इलाका होता है, वहां पर आप गाड़ी नहीं रोक सकते हो। सेकंड यहां पर सिंबल जो कि मैंने दिखा रखा है, जिसमें कि आप देखोगे 2M अंदर की तरफ लिखा गया है, और यहां पर ब्लैक कुछ इस तरीके से दोनों तरफ आपको कॉर्नर देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर दर्शाता है व्हीकल की विथ लिमिट को। ये जो सिंबल है उन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर कोई ऐसा सकरा रास्ता हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, इससे चौड़े व्हीकल उसके नीचे से क्रॉस नहीं हो सकते। तीसरा आप देखोगे सिंबल यहां पर जो है सेम वैसे ही सिंबल दिखाया गया, लेकिन इसमें आप देखोगे कि ऊपर की तरफ इसमें और नीचे की तरफ यहां पर कलर का यूज किया गया है। तो ये जो सिंबल है आप सभी को हाइट लिमिट के बारे में बताता है। कई सारे ब्रिज या फिर रेलवे ब्रिज के नीचे आप सभी को देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हाइट लिमिट गवर्नमेंट तय कर देती है कि इससे हाइट के ज्यादा जो व्हीकल है वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो अगला जो सिंबल यहां पर दिखाया गया है वो यहां पर हमें दिखाता है, आप देखोगे 5 लिखा हुआ है और T लिखा है। यहां पर 5 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, आपको यहां पर फॉर्मेट को केवल समझना है। तो यहां पर यह दिखाता है भार सीमा यानी कि लोड लिमिट के बारे में। हो सकता है आगे जो रास्ता है इससे ज्यादा जो लोड के व्हीकल है उनको कैरी ना कर सकता हो। इसी के साथ में यहां पर अगला जो सिंबल है आप देखोगे, ये आप देखोगे उसी से सिमिलर है, जिसमें कि व्हीकल्स के कुछ टायर्स यहां पर दिखाए गए हैं। ये एक्सल लोड लिमिट के बारे में बताता है, जो कि व्हीकल की पहले से जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके टाइम उसकी निर्धारित हो जाती है। आरसी पर आपको ये नंबर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे 4 टन से ज्यादा जो एक्सल भार वाहन है, इससे ज्यादा जो लिमिट के व्हीकल होते हैं वो उस रास्ते पर नहीं जा सकते। तो यहां पर सर्कल इस तरीके से किया गया है और इसमें 50 नंबर अभी मेंशन किया गया, कभी ये 30 हो सकता है, 80 हो सकता है। तो गवर्नमेंट जहां पर भी जिस रोड पर चल रहे हो वहां पर उसकी जो भी स्पीड लिमिट होगी कि इससे मैक्स आपको लिमिट में व्हीकल नहीं चलाना है, तो वहां पर ये जो सिंबल है ये यूज किया जाता है। तो अगला जो यहां पर आपको सिंबल दिखाया गया है, जो कि आप यहां पर देखोगे, ये बता रहा है लेंथ लिमिट के बारे में। ये जो सिंबल है उन जगहों पर देखने को मिलता है जहां पर हो सकता है आगे कोई तीव्र या अकस्मात मोड़ हो, जहां पर आपकी जो गाड़ी है आगे नहीं मुड़ सकती है, उन जगहों पर इसे यूज किया जाता है। व्हीकल यहां पर दिखाए गए और उस पर कुछ इस तरीके से रेड कलर से यहां पर क्रॉस किया गया है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड यानी कि यहां पर आप व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। अब अगला जो सिंबल है आप देखोगे, जिसमें कि यहां पर 2 व्हीकल ऊपर और नीचे इस तरीके से दिखाए गए हैं, वहां पर आप सभी को मेंशन किया गया ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, यानी कि वहां पर सभी तरीके जो व्हीकल है आगे नहीं जा सकते हैं, चाहे आपकी बाइक हो चाहे आपकी कार हो। तो अगला जो सिंबल है ये भी मैंडेटरी रोड साइन है, जिसमें कि कुछ इस तरीके से आपको रेड कलर का एक सिंबल ऑक्टाकार का दिखाया गया है, जो कि यहां पर दर्शाता है रुकिए स्टॉप जोन, कोई अकस्मात कार चल रहा है या ट्रैफिक पुलिस वहां पर रोक करके व्हीकल की टेस्टिंग कर रही है। तो उन जगहों पर आप सभी को इस तरीके के सिंबल देखने को मिलते हैं। कुछ पुलिस चौकियों पर आप सभी को इस तरीके के जो सिंबल है आप सभी को देखने को मिलेंगे। ट्राइंगल है जो कि नीचे की तरफ इसका जो मुख है वो दिया गया है। तो यहां पर ये जो सिंबल है दिखा रहा है गिव अवे, रास्ता दीजिए।
अब अगला जो सिंबल है जिसमें कि आप देखोगे इस तरीके से एक फॉरवर्ड का सिंबल दिखाया गया है और यहां पर मेंशन किया गया ये जो है सिंबल प्रवेश निषेध नो एंट्री का है। तो जहां पर ये जो सिंबल है आपको देखने को मिलता है तो आगे की तरफ एंट्री आपको नहीं है, उन जगहों पर आपको व्हीकल आगे नहीं ले जाना है। तो अगला जो सिंबल आपको यहां पर दिखाया गया है जो कि यहां पर कुछ इस तरीके से एक एरो यहां पर दिखाया गया है और इसी के साथ में यहां पर इसको भी क्रॉस किया गया है रेड कलर से, यानी कि यहां पर साफ है कि आपको राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि राइट टर्न आप नहीं ले सकते हो, दाएं की तरफ वाहन को नहीं मोड़ सकते हो। उसी के तरीके से यहां पर दूसरा जो सिंबल दिखाया गया है ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न के लिए। तो यहां पर ये जो सिंबल है वो सिंबल दर्शाता है राइट के लिए और ये जो है लेफ्ट टर्न आप नहीं ले सकते हो यू टर्न के बारे में। अब ये जो सिंबल है उन जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर कोई डायरेक्टली यू टर्न लेने का रास्ता है लेकिन उसकी वजह से जाम लग सकता है, तो उन जगहों पर इस तरीके के जो सिंबल हैं वो यूज किया जाते हैं कि अगर आप यू टर्न लोगे तो अन्य जो व्हीकल हैं वहां पर उनकी वजह से जाम लग सकती है। तो ये जो है कुछ व्यस्त चौराहे होते हैं या फिर कई सारे रास्ते वहां पर आकर के मिलते हैं, वहां पर इस तरीके के जो सिंबल हैं वो देखने को मिलते हैं। अब अगला जो सिंबल है यहां पर देखोगे इस तरीके से एक ट्रक को मेंशन किया गया है, उसको भी क्रॉस किया गया है ट्रक प्रोहिबिटेड, उन एरिया में ट्रक नहीं जा सकते हैं जहां पर ये जो सिंबल है वो लगा हुआ है। देखोगे ये जो सिंबल है दर्शाता है नो पार्किंग के लिए, तो जहां पर ये जो सिंबल है आपको देखने को मिलता है वहां पर गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग है। अगर आप खड़ी करोगे तो नगर निगम उठा के लेके जाएगा, आप सभी को फाइन भरना होगा। अब अगला जो सिंबल है यहाँ पर आप देखोगे कि एक यहाँ पर ह्यूमन को दिखाया गया है, इसके बाद में उसको भी क्रॉस किया गया। ये जो सिंबल है हमें बताता है कि यहाँ पर पदयात्री यानी कि यहाँ पर पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड मेंशन किया गया, यानी वहां पर कोई पैदल यात्री नहीं जा सकता है। ये जो सिंबल है उन जगहों पर यूज किया जाता है, कोई नेशनल हाईवे है या फिर ऐसी जगह जहां पर व्हीकल काफी तेजी से चल रहे हैं, जैसे दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जो शहरों के अंदर भी को रास्ता सामने दिख रहा है लेकिन आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको सबवे लेकर के जाना होता है। अब अगली स्लाइड में यहां पर कुछ ब्लू कलर के मैंडेटरी रोड साइन दिखाए गए, तो यहां पर बताया गया है कंपलसरी टर्न लेफ्ट, यानी कि यहां पर आप सभी को बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दाएं यदि अगर कोई भी संकेत विपरीत दिखाया गया है। तो कोई भी ऐसे रास्ते होते हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट डायवर्जन दिखाती है, कभी कोई रास्ता बंद किया जाता है या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, तो उन जगहों पर इस तरीके के जो सिंबल है वो देखने को मिलते हैं कि आप इधर से आपको जाना होगा। इसी के साथ में अगला जो है जो सिंबल है जिसमें कि आप देखोगे यहां पर बताया गया कंपलसरी अहेड ओनली, तो यहां पर आप सभी को आगे की तरफ ही फॉरवर्ड जाना है। ये जो सिंबल आप देखोगे इमिडिएट यहां पर मुड़ने के लिए बता रहा था लेकिन ये जो सिंबल है पहले ही बिफोर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है आगे जाकर के इस तरीके से आपको टर्न लेने की जरूरत होगी। इसी के साथ में अगला जो सिंबल आप देखोगे तो उसी का जो है विपरीत हो यहां पर हो जाता है जो कि है कंपलसरी अहेड। तो यहां पर ये जो सिंबल आपको बता रहा है लेफ्ट की तरफ आप टर्न ले सकते हो या फिर स्ट्रेट भी आप जा सकते हो। अब अगला जो सिंबल है आप यहां पर देखोगे कि इसमें यहां पर ये जो एरो है नीचे की तरफ दिखाया गया कि कंपलसरी कीप लेफ्ट, तो यहां पर आप सभी को इस तरीके का जो सिंबल है वो देखने को मिलता है, तो आप सभी को लेफ्ट की तरफ से होकर के चलना है। पर बीच में जो डिवाइडर होता है आमतौर पर रोडों पर वो मौजूद ना हो, तो हो सकता है इसके लिए आपको बताया गया हो कि आपको अपना जो लेफ्ट रोड है वो ले करके चलना है, उधर जो वाहन आ रहे हैं उनको रास्ता आसानी से दिया जा सके। तो इस तरीके की जो सिंबल है उन जगहों पर यूज किए जाते हैं। ये है हॉर्न बजाना अनिवार्य है, इस तरीके का जो सिंबल है उन जगहों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो सिंबल दिखाया गया है ब्लू कलर से ये भी है, जिस नंबर वहां पर कुछ भी हो सकते हैं। आप सिंबल में आपको बताया गया है कि इससे ज्यादा स्पीड में व्हीकल को चलाना है, ज्यादा तेज गाड़ियां चलती हैं उसमें अगर आप स्लो भी चलोगे तब भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, तो उन जगहों पर ये जो सिंबल है यूज किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंड्स के बारे में, कोई भी पहले से उस रोड पर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, कोई सिंबल आपने इससे पहले देखा था जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और उसके बाद में ये जो सिंबल है दर्शाता है कि जो रिस्ट्रिक्शन इस रोड पर पहले लगाई गई थी, हो सकता है स्पीड के लिए हो या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगे वो अब खत्म हो चुके हैं, आप नॉर्मल अपने व्हीकल को आगे ड्राइव कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में जो सिंबल दिखाए गए हैं ये है कौसनी रोड साइन जो कि सचेत करते हैं हमें आगे के रास्ते के बारे में। ये सिंबल हमें उन जगहों पर देखने को मिलते हैं जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, रोड की जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके का रास्ता है उसके बारे में हमें आगाह करते हैं। तो ये जो सिंबल है एक यहां पर दिखा रहा है ये राइट टर्न लेने के लिए और ये दिखा रहा है लेफ्ट टर्न लेने के लिए। ये जो रास्ता है कर्व है, आगे मुड़ने की जरूरत होगी यहां पर ये बताया गया है, जिसमें कुछ समय के बाद में आपको इस तरीके से टर्न लेना होगा ये मेंशन किया गया है। राइट हेयर पिन बैंड
बैंड ये राइट की तरफ दर्शा रहा है, इसी की तरह ये हो गया लेफ्ट हेयर पिन बैंड के बारे में, जिसमें कि दाहिने तरफ घुमावदार मोड़ है इसके बारे में मेंशन किया गया, और अगला है बाएं तरफ घुमावदार जो है मोड़ है। अब यहां पर अगला जो सिंबल आप देख रहे हो ये बताया गया है दाहिने मुड़ करके फिर आगे चले, तो जहां पर ये जो सिंबल है यूज किया जाता है, हो सकता है कुछ कंट्रेक्शन उस रोड पे चल रहा हो या ऐसा कोई रास्ता है आगे जाकर के आपसे भी कुछ तरीके से लेकर के फिर स्ट्रेट जाने की जरूरत होती है, तो उन जगहों पर ये जो सिंबल है यूज किया जाता है, उसी का रिवर्ट ये हो जाता है लेफ्ट की तरफ। अब अगला जो सिंबल आप यहाँ पर देखोगे ये सिंबल हमें बता रहा है स्टेप असेट, यानी कि खड़ी चढ़ाई यहाँ पर है ऐसा दर्शाया गया है, तो ये जो सिंबल है जहां पर कोई पहाड़ी इलाके होंगे जहां पर कोई चढ़ान है वहां पर दिखाया गया है। इसी के साथ में यहां पर देखोगे ये जो सिंबल है उसका रिवर्ट है, ये ढलान को साबित करता है, सीधी ढलान है। फर्स्ट जो सिंबल है ये दिखा रहा है कि नेरो रोड अहेड, तो यानी कि जो आगे हमें रास्ता मिलने वाला है क्योंकि हम चौड़े रोड की तरफ से जा रहे हैं, तो आगे जो रास्ता है नेरो हो चुका है, पतला हो चुका है, और यही अगला जो सिंबल है उसको रिवर्ट दिखा रहा है कि रोड वाइडन अहेड, यानी कि आगे जो है हमें चौड़ा रास्ता मिलने वाला है, वाइड रास्ता मिलने वाला है, सकरी रास्ता होने का ये जो सिंबल है दिखाया जाता है। और ये जो है फिसलन भरी सड़क के बारे में है, यानी कि आगे जो है ऐसा रास्ता हो सकता है जिसपे कि कोई कीचड़ हो सकता है, कुछ कंट्रेक्शन चल रहा है, या फिर हमेशा ही कोई बारिश का पानी वहां पर भरा रह सकता है, तो उन जगहों पर इसका यूज किया जाता है, वहां पर हो सकता है गाड़ी फिसल सकती है, तो केयरफुल होकर के आपको व्हीकल वहां चलाना है। पर लिखा हुआ है बिखरी बजरी, यानी कि लूज ग्रेवल। अब अगला यहां पर सिंबल देखोगे जिसमें कि साइकिल मेंशन किया गया है, यानी कि साइकिल की क्रॉसिंग है वहां पर। अब उसी तरीके से आप देखोगे इसमें एक मैन है और यहां पर जेब्रा क्रॉसिंग भी यहां पर मेंशन की गई है, तो आगे जो है पैदल जो है यात्री हो सकते हैं, उनको आपको रास्ता देने की जरूरत होगी क्योंकि पैदल यात्री रोड का किंग होता है और उसे सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में ही आप अपने व्हीकल को लेकर के जाओगे। यहाँ पर इसमें कुछ बच्चे हैं बैग लिए हुए हैं जो कि स्कूल के बारे में दर्शा रहा है, स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। अब अगला सिंबल है यहाँ पर आप देखोगे जिसमें कुछ एनिमल दिखाया गया, ये यहाँ पर पशु है, आगे कैटल है यहाँ पर, ऐसा इन्फॉर्म किया गया है। यहाँ पर ये जो सिंबल आप देखो जिसमें एक नाव जैसा सिंबल बना हुआ है, नौका यानी कि फेरी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये सिंबल उन जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर कुछ ऐसे रास्ते होते हैं आगे रोड जाकर के खत्म हो जाती है, या फिर सभी को आगे कोई नदी मिल जाती है, आप सभी को नाव मिलेगी आगे की तरफ जाने के लिए, वहां पर इस तरीके के जो बोर्ड है आप सभी को देखने को मिलते हैं। अब यहां पर अगला जो सिंबल है जिसमें कि आप देखोगे यहां पर बताया गया है पत्थर लुढ़कने की संभावना है, और यहां पर आप देखोगे ये दिखाया गया खतरनाक गहराई के बारे में। ये जो सिंबल है आप देखोगे अंदर की तरफ यहां पर डिप दिया गया है, जिसमें कि दिखाया गया है कि यहां पर कोई गहराई वाला रास्ता है जहां पर आप सभी को केयरफुल होकर के गाड़ी चलाना है। यहाँ पर दो इस तरीके से उभरे हुए हैं और इनमें मेंशन किया गया है कि आगे जो रास्ता है ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आगे रोड रफ रोड है, रग रोड हो सकती है, इस तरीके जो चीजें हैं मेंशन की जाती हैं उन जगहों पर। ये जो सिंबल हमें दिखा रहा है आगे रोड पर बैरियर है, तो ये है मध्य पट्टी में अंतर गैप इन मेडेन, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है आप सभी को दिखाता है कि बीच पट्टी में आपको गैप रखना है, हो सकता है कोई डिवाइडर रोड हो सकती है वहां पर, तो इस तरीके से डिवाइडर रोड को मेंशन किया जाता है जिससे कोई अंधेरे में जा रहा है पहले से पता लगे कि बीच में डिवाइडर को हमें छोड़ करके चलना है। और अगला जो है यहाँ पर ये जो सिंबल है आप देखोगे जहां पर कोई चौराहा होगा इस तरीके से उसको मेंशन किया जाता है ब्लैक कलर से, बीच में दाहिनी ओर पार्थो सड़क है, इस तरीके से इन सिंबल का यूज किया जाता है। साइड में कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिनको आपको रास्ता देने की जरूरत होगी, बेसिकली ये जो सिंगल जो रास्ते होते हैं उन पे यूज किया जाता है, जिसमें कि पहले से आपको पता हो जाए कि भाई इन रोडों से भी लोग आ सकते हैं अकस्मात कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। यहाँ पर ये जो सिंबल है कोई तिराहा हो सकता है, टी आकार का जो सिंबल है उस जगह पर यूज किया जाता है, वहीं कोई ऐसे रोड हो सकते हैं जो वाई आकार में आकर के इस तरीके से मिलते हैं, तो ये है वाई इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये विषम सड़क संगम कुछ इस तरीके से सड़कें आकर के रोड में मिलती हैं। स्टेगरेड इंटरसेक्शन वहां पर दिया गया है, राउंड अबाउट गोल चक्कर होगा जिसको आपको अगर टर्न लेना है तो आपको पार करके जाने की जरूरत होगी। अब अगले जो सिंबल है ये भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि यहाँ पर दिखा रहा आगे जो है कोई घाट है, कोई नदी है, जिसमें कि आपको कोई रिवर साइड एरिया होंगे वहां पर ये जो सिंबल है यूज किए जाते हैं, एक गलती की वजह से आपका जो व्हीकल है वो सीधे पानी में जा सकता है। इसी के साथ में ये जो सिंबल है कंट्रेक्शन वाला है, मेन एट वर्क वाला, कोई भी रोड पे वर्क चल रहा होता है। इसी के साथ में अगला जो सिंबल आप देखोगे ये हमें दर्शाता है रेलवे क्रॉसिंग के बारे में, गार्ड लेवल की जो क्रॉसिंग होगी वहां पर गार्ड पहले से मौजूद होगा, इस तरीके से जब बैरिकेडिंग की जाती है इस सिंबल में आप देख रहे होगे, तो वहां पर गार्ड मेंशन
मेंशन किया जाता है, जहां पर आप देखोगे इस तरीके से पट्टियां भी दो इस पर दी गई हैं, जिसमें कि दिखाता है कि 100 मीटर पर एक पट्टी को लगाया जाता है, तो यहां पर 200 मीटर के बाद में जो ये रेलवे क्रॉसिंग है वो आपको मिलने वाली है। वहीं आप देखोगे उससे दूसरा यहां पर ये जो सिंबल है ये भी रेलवे क्रॉसिंग पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये जो सिंबल है इसमें आप देखोगे इंजन मेंशन किया गया है। अब ये इंजन क्यों यहां पर मेंशन किया है, यानी कि वहां पर कोई गार्ड नहीं है, आपको कोई वहां पर बताने वाला नहीं है कि ट्रेन यहां पर आने वाली है या नहीं आने वाली। मानव रहित जो रेलवे क्रॉसिंग होती हैं उन जगहों पर इसे यूज किया जाता है, लेकिन आज की डेट में मोस्टली जो मानव रहित क्रॉसिंग है वो खत्म हो चुकी। हो सकता है कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर ट्रेनें रेयर ही आती हैं, उन जगहों पर ये जो सिंबल है यूज किए जाते हैं, तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो चलिए हम अब लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जो कि है इंफॉर्मेटरी रोड साइन के बारे में। ये जो सिंबल आप मेरे पीछे देख रहे हो, इन सिंबल के बारे में आपको आज की डेट में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता होगा, लेकिन एग्जाम में जो चीजें आ सकती हैं वो जरूर बता देता हूं। ठीक है, यहां पर ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये हमें दिखाता है अग्रिम मार्गदर्शन, यानी कि एडवांस डायरेक्शन साइन। यहां पर जब भी हम किसी भी बड़े शहर में जाते हैं तो आप हाईवे पर देखोगे इस तरीके के जो बोर्ड हैं यूज किए जाते हैं, जिसमें कि एक सीधे बता रहा है अगर आपको जाओगे तो आप नोएडा पहुंच जाओगे, इस तरीके से कुछ समय चलने के बाद में मुड़ोगे तो फरीदाबाद जाओगे, कुछ समय बाद चलने के बाद मुड़ोगे तो आप दिल्ली जाओगे, तो एडवांस में आपको डायरेक्शन देता है। इसी के साथ में आप सभी को अगला जो चिन्ह यहां पर दिखाया गया जो कि यहाँ पर दर्शाता है गोल चक्कर को, एडवांस डिसीजन साइन मिल जाता है, जिसमें कि आप पहले से ही रोड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाती है, उसी के तरीके से आप अपने व्हीकल को जिस रोड में ले जाने की जरूरत होती है आप ले जा सकते हो। एडवांस डायरेक्शन दिया गया है विद डिस्टेंस, आप देखोगे दिशा हमें बता रहा है कि आगे इस तरफ जाओगे तो नागपुर 10 किलोमीटर के बाद पड़ेगा। कंफर्मेशन साइन यहां पर आपको दिया गया है, आगे की तरफ जो ये शहर है ये मौजूद है। अब ये जो सिंबल आप यहां पर देख रहे हो जो कि ब्लू कलर के हो चुके, ये उस प्लेस की इंफॉर्मेशन देते हैं जहां पर आप पहुंच चुके हो, या फिर जो भी उस जगह पर चीजें हैं, जहां पर आप देखोगे कि ये बोर्ड इस तरीके का दिखाया गया है। मुंबई शहर जब आप पहुंचोगे या कोई भी शहर पहुंचोगे तो उस तरीके के जो सिंबल है यहां पर देखने को मिलेंगे, आप इस शहर के अंदर आ चुके हो। इसमें पेट्रोल पंप मेंशन किया गया है, प्राथमिक उपचार की जो सुविधाएं हैं अवेलेबल हैं, यहां पर रेस्टोरेंट है, खाने की जो सुविधाएं हैं भोजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ब्रेकफास्ट की जो सुविधाएं हैं वहां पर अवेलेबल हैं, रेस्टिंग प्लेस है जिसमें कि बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं इस तरीके के जो सिंबल हैं उनको ढूंढते रहते हैं कि कहां पर गाड़ी हमें रोकनी है। इंफॉर्मेशन देते हैं कि आगे की तरफ जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, आगे सड़क बंद है, इस तरीके से उसको ब्लॉक किया जाता है, और यहाँ पर ये बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, इस तरीके के जो सिंबल मोस्टली डेली यूज में आप देखते हो, तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो सिंबल है आप देखोगे ये पार्किंग को दिखाते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर पार्किंग मौजूद हुई है, बोथ साइड पार्किंग अवेलेबल, यहाँ पर आप साइकिल पार्क कर सकते हो। ये जो पार्किंग है साइकिल रिक्शा की पार्किंग है, और इसी के साथ में ये स्कूटर बाइक के लिए पार्किंग है, यहाँ पर ये टैक्सियों के लिए पार्किंग है, और ये पार्किंग है ऑटो ड्राइवर्स के लिए, और ये सार्वजनिक टेलीफोन है जो कि आज के डेट में फोन आ चुका है, ये सिंबल मुझे लगता है कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और आगे कोई सुरंग है इस तरीके के जो सिंबल हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में पैदल पथ सर्वे यहां पर दिया गया है, नीचे बेसमेंट में होकर के रास्ता है। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।